नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी में महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम, आगजनी कर लगाई सरकार विरोधी नारे। चिरैया में राजद कार्यकर्ताओं ने घंटों जाम रखी सड़क। पिछले दिनों विधानसभा में विपक्ष के विधायकों पर हुए पुलिसिया कार्रवाई और बढ़ती महंगाई को लेकर किया गया प्रदर्शन। नरकटियागंज बेतिया मुख्य मार्ग पर बस की चपेट में आई छात्रा, घायल अवस्था में ग्रामीणों ने पहुंचाया अस्पताल। सारण में धारदार हथियार से युवक की हत्या के बाद लोगों ने किया जमकर बवाल, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर हटाया। केसरिया के बथना पंचायत के मुखिया को उत्कृष्ट मुखिया का अवार्ड मिलने से ग्रामीणों में है गुस्सा, कहा पंचायत में सरकारी योजना का काम है अधूरा, फिर कैसे मिला अवार्ड। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक संघ का अनिश्चितकालीन धरना 11वें दिन भी जारी, मोतिहारी में किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन। मोतिहारी पहुंचे कला संस्कृति व युवा विभाग सह लघु सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव, बोले जॉर्ज ऑरवेल पार्क का जल्द होगा विकास। समय बरात और होली को देखते हुए आदापुर प्रखंड के आदमपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न, कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। पिछले दिनों विधानसभा में हुए पुलिसिया कार्रवाई को लेकर सुगौली में दिखा महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का गुस्सा, राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर घंटों किया प्रदर्शन। अरेराज प्रखंड के मंगुराहा गांव में फरार आरोपियों की घर की हुई कुर्की जब्ती, गोविंदगंज पुलिस ने की कार्रवाई। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेताओं के साथ हुए मारपीट के विरोध में आरजेडी द्वारा आदापुर में भी किया गया मुख्यमंत्री का पुतला दहन। रक्सौल युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किया पुतला दहन, विधानसभा में हुए पुलिसिया कार्रवाई को लेकर सीएम से माफी मांगने की रखी मांग। समय बरात और रंगों के पर्व होली को लेकर सिकरहना अनुमंडल परिसर में हुई शांति समिति की बैठक, हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। मझौलिया पुलिस ने की कार्रवाई, शराबबंदी कानून तोड़ने वाले पियकर को पुलिस ने भेजा जेल। शहीद सहायक अवर निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह की पुण्यतिथि आज, पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। मझौलिया के मोहद्दीपुर स्थित एलन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन, विद्यार्थियों ने अपने प्रतिभा का किया प्रदर्शन। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सरगर्मी हुई तेज, दावों और वादों का दौर हुआ शुरू। और प्रथम बिहार महिला फुटबॉल लीग में रामदयाल प्रसाद शाह महिला फुटबॉल क्लब मोतिहारी ने खिताब पर किया कब्जा, रानी लक्ष्मीबाई महिला फुटबॉल क्लब सिवान को 3-0 से किया पराजित। बिहार बंद के ऐलान के बाद आज सुबह से ही बंद समर्थक सड़कों पर जाम करते देखे गए। मोतिहारी NH 28, छतौनी चौक और गांधी चौक सहित मोतिहारी के कई जगह पर जाम किया गया, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बंद समर्थक सड़कों पर आगजनी करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। गौरतलब है कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि 26 मार्च को सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष सड़क पर उतरेगा। आज बिहार बंद को RJD के अलावे लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस का भी समर्थन मिला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर दी है कि सरकार पुलिस सशस्त्र विधेयक को वापस ले, विधायकों की पिटाई मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफी मांगे, नहीं तो RJD सड़क से सदन तक आंदोलन करता रहेगा। जो विधानसभा में पुलिस के द्वारा गुंडागर्दी की गई और विधायकों को जो जनप्रतिनिधि हैं उनको पीटा गया, बाहर किया गया, विधायक को विधानसभा जाने के लिए भेजा गया था उससे बाहर करके पुलिस के दम पर पुलिस बिल लागू किया गया, जो काला बिल है, यह अध्याय पूरे देश में लोगों ने देखा है, हम उसका विरोध करते हैं। पूरे बिहार को बंदी के लिए उतरे हुए हैं और ये काला कानून जब तक वापस नहीं होगा, महंगाई समाप्त नहीं होगा, हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आज बिहार बंद है, आने वाला समय में हम लोग जन आंदोलन पर भी उतारू है। ये मंदी पूरे बिहार में मनाया जा रहा है आंदोलन के रूप में। वो 23 तारीख को जो विधानसभा घेराव के लिए राजद कार्यकर्ता पदाधिकारी और विधायक वहाँ गए हुए थे, उस पर जो बदसलूकी हुई है, अत्याचार हुआ है, लाठीचार्ज हुआ,
गोली चलाई गई वाटर कैनन हुआ, उसके विरुद्ध में हम लोग आज ये बंदी किए हुए हैं राजद की। आज हम लोग पूरे बिहार बंद करा रहे हैं। लालू यादव जिंदाबाद। और नीतीश कुमार जब तक इसकी जवाब नहीं दे दी और माफ़ी नहीं मांगती तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन टाइप के सारा काम करते हैं। दमनकारी सरकार के खिलाफ में आज जो है सो बिहार बंद है। आरजेडी के कार्यकर्ता इस पूरे बिहार के जनता के साथ मिलकर सड़कों पर है कि इस काले कानून को नीतीश कुमार वापस ले। नहीं वापस लेता है तो फिर जो है सो जन आंदोलन शुरू होगा। इस बिहार बंद में शामिल होकर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो नीतीश मोदी सरकार की ओर से कार्रवाई की गई है, मारपीट करवाया गया है, इसकी हम निंदा करते हैं। और विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम 2021 को वापस लेने की मांग करते हैं। पूर्वी चंपारण के चिरैया में राजद कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखने को मिला। यहां पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अच्छेलाल प्रसाद यादव के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर घंटों परिचालन बाधित रखा, जिसके कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि पिछले दिनों विधानसभा में विपक्ष के विधायकों पर हुए पुलिसिया कार्रवाई और बढ़ते महंगाई के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया। ये तनाशाह सरकार पटना के धरती पर क्या किया जो आप लोगों के सामने है। मेरे नौजवान बेरोजगार भाइयों को पिटाई की, रोड़ेबाजी की, सदन में हमारे जो विधायक थे उन लोगों के साथ भी पिटाई करने का काम किया, जिसके चलते हम लोग आज रोड पर हैं। आज बिहार बंदी का प्लान है। बिहार बंद करके हमने समाज को दिखाने का काम, सरकार को बताने का काम किया है। और आने वाला सरकार, आने वाला समय में अगर ये सरकार अपनी तनाशाही से पीछे नहीं हटती है तो अब जन आंदोलन होगा। अगली खबर पश्चिमी चंपारण से आ रही है, जहां नरकटियागंज बेतिया मुख्य मार्ग पर कोइरगावा चौक के पास ट्यूशन पढ़कर वापस लौटने के क्रम में बस की चपेट में आने से एक छात्रा जख्मी हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायल छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वहीं गुस्साए लोगों ने इस घटना के बाद बस को घेर लिया और शिकारपुर पुलिस को सूचित किया। समाचार संकलन तक शिकारपुर पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। घर से खा पी कर चलल बाड़ी सो कोई गावा के लगे, कोई गावा गांव के लगे बस स्टैंड पाछे से आके सुपर वीआईपी मरले बदल अगली खबर सारण से है, जहां धारदार हथियार से अपराधियों के द्वारा एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना डोरीगंज थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव के पास की बताई जा रही है, जहां छपरा पटना मुख्य मार्ग स्थित सड़क किनारे झाड़ी में पड़े शव को पुलिस ने बरामद किया। वहीं मृत युवक की पहचान डोरीगंज थाना क्षेत्र के दफ्तरपुर गांव निवासी 25 वर्षीय सोनू कुमार राय के रूप में की गई है। इस घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने पुलिस को शव उठाने से साफ तौर पर मना कर दिया और शव को घटनास्थल के पास ही मुख्य मार्ग पर रखकर जमकर बवाल काटा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर जाम हटाया। अब बात करते हैं केसरिया की, जहां बथना पंचायत के मुखिया गीता देवी को उत्कृष्ट मुखिया का अवार्ड मिला है। बता दें कि यह अवार्ड पिछले सप्ताह पटना के होटल मौर्या में बिहार ग्राम संसद कार्यक्रम गांव बुनियाद के तहत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया। हालांकि ये अवार्ड मिलने से कुछ ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि पूरे पंचायत में मुख्यमंत्री महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना का कार्य अभी भी आधा अधूरा है और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी भारी अनियमितता बरती गई है। बावजूद इसके स्थानीय मुखिया को उत्कृष्ट अवार्ड से सम्मानित करना आश्चर्य की बात है। क्यों मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना का मजाक तो प्रशासन खुद ही उड़ा रही है कि हमारे मुखिया गीता देवी को गांव बुनियाद है कोई कार्यक्रम में उत्कृष्ट मुखिया का अवार्ड दिया जाता है। और उत्कृष्ट क्या है वो तो आपको खूब नज़र आ रहा है ना कि मुखिया जी यहाँ पे जिस वार्ड में आप खड़े हैं ये 4 नंबर वार्ड है, 4 नंबर वार्ड का कौआबाड़ी टोला है। इसमें ना सड़क आपको मिलेगी, बाढ़ के दिनों में ये गांव पूरी तरह उठ के रोड पे चला जाता है ना। और नल जल देख लीजिए, नल जल का पाइप यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। ODF के नाम पे एक भी घर में शौचालय आपको मिल जाए तो देखिए, इंदिरा आवास के नाम पे देखिए। पंचायत के मुखिया को तो उत्कृष्ट अवार्ड मिला है, कहीं ना कहीं तो इसी चीज़ के लिए ना उत्कृष्ट अवार्ड मिला है कि सबसे बदतर काम करने के लिए बिहार सरकार के विभाग द्वारा या उनका कोई संगठन है जो सबसे उत्कृष्ट मुखिया का अवार्ड दिया है। तो इस आपके STB के माध्यम से और हम अपने पदाधिकारियों को आमंत्रित करना चाहते हैं कि हमारा बथना पंचायत सबसे उत्कृष्ट मुखिया का अवार्ड ले चुकी गीता देवी को आकर के देखें कि कितना सुंदर पंचायत है, जहां
ODF फेलियोर है। ODF के नाम पे इंदिरा आवास का पूरा लिस्ट है, आप इंदिरा आवास का देख लीजिए, जिसको छत है उसको जरूर इंदिरा आवास मिला है, लेकिन जिसको झोंपड़ी भी नसीब नहीं है उसको इंदिरा आवास नहीं दिया जाता है। कि कहाँ आ रहा है, कॉलेज परसों फिर आया और पानी रास्ते पर जा रहा है। अच्छा लीकेज है? हाँ लीकेज है, हाँ पानी आता है, एक बार एक बाल्टी गिर जाता है और उसके बाद में बंद हो जाता है। इंदिरा आवास भी नहीं हम लोग का मिला है, नहीं खे मिलल हमने के कुछो का नहीं खे मिलल, नल जल नहीं खे मिलल हमने के। अच्छा और कोनो सुविधा कुछो नहीं खे हमने लगन मिला, ना इंदिरा आवास मिलल बा, ना कुछो मिलल बा, ना पानी मिलल बा, ना नल जल मिलल बा, कुछ भी नहीं के मिलल ना, कुछो ना पाइप कुछ ना। पंचायत का हाल तो सब कुछ देख रखा है, बाकी हमारा मुखिया जो वार्ड जो भी करके जा रहा कोई बोलने वाला नहीं है, चाहे हमारे दरवाजे पर लग रहा तो हम भी नहीं बोले, सरकार का काम है चलो करने दो, लेकिन वो कितना कमा रहा है उसको अभी बाद में पूरा आदमी मुखिया के लिए आ जाएगा कि हमको वोट दो हमको दो। जो काम करा रहा मुखिया उसको सही कराने के लिए तो कोई बोलता नहीं है कि भाई काम सही कराओ। वही इस संबंध में हमारे संवाददाता ने मुखिया गीता देवी के पति देवालाल यादव से बात की तो उन्होंने इस आरोप को बिल्कुल बेबुनियाद बताया और क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए जरा। मेरी पत्नी गीता देवी मुखिया है, मैं उनके सहयोग से पंचायत के सभी लोगों का सेवा करता हूं और बेहतर कार्य के लिए शायद अवार्ड जो मुझे दिया गया है शायद बेहतर कार्य के लिए ही दिया गया है। हमने बाढ़ में कोरोना में या किसी भी क्षेत्र में दिल से काम करता हूं, मैं जनता के बीच हमेशा रहता हूं। अवार्ड के बाद जो है कुछ लोगों को जो हमसे चुनाव लड़ते हैं या मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं उनको काफ़ी तकलीफ हुई है। बात रही नल जल की तो मेरे सभी वार्डों में पानी लगभग चल रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ छोटा मोटा प्रॉब्लम आते रहता है जिसके चलते एक आध दो दिन पानी बंद हो जाता है, इसके लिए मैं वार्ड सदस्य पर हमेशा चढ़ा रहता हूँ जो काम कराए। अपनी मांगों को लेकर बिहार राज्य कार्यपालक सहायक संघ का अनिश्चितकालीन धरना 11वें दिन भी जारी रहा। मोतिहारी कचहरी चौक पर संघ के जिला इकाई पूर्वी चंपारण के कार्यपालक सहायकों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर अपने 8 सूत्री मांग की पूर्ति के लिए आवाज उठाई। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कार्यपालक सहायकों ने बताया कि सरकार जब तक हमारी 8 सूत्री मांगों की पूर्ति नहीं करती है तब तक हम डटे रहेंगे। समस्त बिहार के कार्यपालक सहायक जो है बिहार प्रशासनिक विभाग के कार्यालय को घेरने जा रहे हैं। कल समस्त कार्यपालक सहायक पटना की धरती पर अपने हक हुकूक के लिए एकजुट होकर बिहार प्रशासनिक के जो एसी वाले पदाधिकारी हैं उसको कान में आवाज डालने के लिए और ये कुमकुमरी सरकार को जगाने के लिए हम लोग पटना की धरती पर कल आगाज करेंगे और हो सकेगा तो BPS को भुगने का भी काम करेंगे। कि 8 सूत्री मांगे उस मांग को पूरा कर दिया जाए, जब तक ये मांग अगर पूरा नहीं होगी तब तक हमारी अनिश्चित हड़ताल ऐसे ही चालू रहेगी। अगर मेरी मांग को अनिश्चित हड़ताल में पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग अमरन आसन भी करेंगे, अगर उससे भी नहीं मानेंगे तो हम अपनी जान भी देंगे, क्योंकि तन मन धन की बात होगी। जब हमारी नौकरी ही नहीं रहेगी तो फिर हम जीकर क्या करेंगे, किसके लिए जिएंगे? मेरा वजूद मेरा नौकरी है और बिहार सरकार को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारा वजूद मेरा कार्यपालक सहायक है। मेरे वजूद को डाटा एंट्री में चेंज नहीं किया, मेरा पहचान कार्यपालक सहायक है, मेरे वजूद को मत छीनिए। आप छीनने वाले होते कौन है? सरकार है तो क्या अपनी मनमानी कीजिएगा क्या? हम जानते हैं आपको वोट देकर सरकार बनाया है और अपनी मनमानी करना शुरू कीजिएगा। अपने नीतीश कुमार जी से अपना मांग मांग रहे हैं, जो कि हमारा जो मांग है वो मांग जायज है, वो मांग पूरा करें। हम लोग का दक्षता परीक्षा लेने जो जा रही है वो ना होने दे, वेतन उमा करें, हम लोग का जो भी है 8 सूत्री मांग वो सारी मांग पूरा करें। प्रधान सचिव कला संस्कृति एवं युवा विभाग सह लघु सिंचाई रवि परमार बुधवार को मोतिहारी पहुंचे और शहर स्थित राजेंद्र पार्क, सत्याग्रह पार्क, जॉर्ज ऑरवेल पार्क, मुंशी सिंह महाविद्यालय व कला संस्कृति विभाग द्वारा निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर का भ्रमण किया। इस अवसर पर जॉर्ज ऑरवेल पार्क के विकास व संरक्षण पर प्रोजेक्ट प्लान बनाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कार्यपालक अभियंता को जल्द से जल्द प्रोजेक्ट तैयार कर विभाग को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, पार्क जो है वो विभाग के संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल है और इसकी जो वर्तमान स्थिति है उसमें उसके कंजर्वेशन की जल्द से जल्द आवश्यकता है। तो आज कंजर्वेशन आर्किटेक्ट भी यहाँ पर आए हुए हैं तो हमने उनको अनुरोध किया है कि जो जॉर्ज ऑरवेल साहब का जो घर है वो और उसके सामने जो गोदाम है उसको उसके मूल रूप में किस तरह से संरक्षित किया जा सके
उसका एक प्लान बना रहे हैं, और दूसरा उसके साथ साथ जॉर्ज ऑरवेल की जीवनी से संबंधित जितने दस्तावेज स्थानीय रूप से या अदरवाइज उपलब्ध है, उस दस्तावेजों के आधार पर एक प्रदर्शनी तैयार करके उसको भी यहाँ लगाई जाएगी। साथ ही साथ ये जो पार्क है करीब 2.5 एकड़ में फैला हुआ है, तो ये पार्क का भी डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। तो ये पार्क में भी बैठने वगैरह की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और उसके चारों ओर चलने की व्यवस्था की भी प्लान बनाने के लिए कहा है। तो जो वर्तमान प्लान है वो पूरा नहीं बना है, उसको हम लोग पूरा करके इस संरक्षित स्थल को एक अच्छे ढंग से डेवलप करने की कोशिश करें। वहीं इस मौके पर मौजूद गन्ना उद्योग एवं विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया, और ये जो जॉर्ज ऑरवेल का जो पुरातत्व से जुड़ा हुआ हेरिटेज प्रॉपर्टी है, इसके संरक्षण संवर्धन के लिए, इसको विकसित करने के लिए यहाँ और अत्यधिक टूरिस्ट आवें और इसके संस्कृति को, इनके इतिहास को देश और दुनिया के सामने बताया जाए कि यही जॉर्ज ऑरवेल का जन्मस्थली है। इसी के प्लान प्रोजेक्ट, साथ ही लघु सिंचाई विभाग, जल जीवन हरियाली, जल है तो जीवन है, जीवन है तो हरियाली है, हरियाली है तो हम लोगों की खुशहाली है, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का थीम्स प्रोजेक्ट का भी ये अवलोकन करने के लिए आज हम लोग के इस चंपारण के ऐतिहासिक सत्याग्रह की भूमि मोतिहारी में आए हैं। हम अपने तरफ से और अब मोतिहारी की जनता के तरफ से अपने प्रधान जी का अभिवादन करते हैं। इस अवसर पर अपर समाहर्ता शशि शेखर चौधरी, सदर SDO प्रियरंजन राजू, जॉर्ज ऑरवेल मेमोरेटिव कमेटी के अध्यक्ष देवप्रिय मुखर्जी, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना, डॉक्टर लालबाबू प्रसाद सहित अन्य मौजूद रहे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत आदापुर प्रखंड के आदमपुर थाना परिसर में होली के त्यौहार को देखते हुए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आदापुर थाना प्रभारी संदीप कुमार, छौड़ा दानो सर्किल इंस्पेक्टर कल्पना कुमारी, आदापुर प्रखंड विकास पदाधिकारी आशीष कुमार मिश्र, आदापुर अंचलाधिकारी संजय कुमार झा सहित प्रखंड के सभी पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। आदापुर प्रखंड विकास पदाधिकारी आशीष कुमार मिश्र ने कहा कि होली के अवसर पर किसी तरह की कोई भी असामाजिक कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी तरह के नशा करने वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। मौके पर पूर्व मुखिया शफी अहमद, बच्चू मुखिया, पूर्व मुखिया रामजीवन बैठा, राम शब्द सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। सभी जनप्रतिनिधियों ने इस बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन करने की बात कही। कोरोना को देखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन को सभी जनप्रतिनिधियों तथा लोगों को बताया और कहा कि DJ या अश्लील गाना बजाने वालों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुगौली प्रखंड के राजद और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज सड़क पर उतरकर सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग 527 को स्टेशन चौक के पास घंटों जाम रखा। वहीं जाम से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना था, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मुन्ना कुशवाहा ने। यार बंद का अवसर दिख रहा है, आपको बता दें कि यहाँ पे राजद के कार्यकर्ता और माले के कार्यकर्ता मौजूद है और रोड को जाम कर दिया है, रोड को उतर चुके हैं और पूरे तरीके से आपको बता दें पीछे जाम लग गई है, बड़ी बड़ी वाहनों की कतार लग गई है यहाँ पे। अध्यक्षता कर रहे हैं अरविंद जी, राजद के कार्यकर्ता है और ये सुगौली पर रोड पर उतर चुके हैं नेता में। आइए अब जानते हैं जो आज रोड जाम है, क्या आप लोग मांगे। विधानसभा में सत्र अवधि में जो विधायकों को जो जनप्रतिनिधि हैं जनता से चुन कर आए हुए हैं, महिला विधायकों को जो निर्वस्त करके पीटा गया एवं डीजल पेट्रोल की बढ़ती महंगाई, गैस के चूल्हा जो आज नरेंद्र मोदी सरकार कहती है कि हम महिलाओं को दे, लेकिन दाम इतना बढ़ा दिया कि कोई ले ले पैसा के अभाव में गैस का चूल्हा लेने से भी गैस लेने में असमर्थ है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा जो एक काम किया गया है, देश के इतिहास में, भारत के इतिहास में काला कानून के नाम से काला अध्याय होगा, काले दिवस के नाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर जो विधानसभा में विधायकों के द्वारा, विधायकों पर इनके द्वारा इनके पुलिसिया खौफ दिखाकर लाठी डंडा से जो प्रहार किया गया है, महिला विधायकों को निर्वस्त किया गया है, उनके साथ जो इनका व्यवहार हुआ है, बेरोजगारों के साथ जो इनका व्यवहार है, और इसके बाद कृषि
कानून जो लाए हैं उसके विरोध में जो जनता सड़क पर उतर रही है, यहाँ के मुख्यमंत्री इनके प्रशासक निरंकुश हो गए हैं, भ्रष्टाचारी हो गए हैं, इसको लेकर लोगों का कहना है कि प्रशासन गुंडा बन चुकी है एकदम पूर्ण रूप से। जो नया पुलिस अमेंडमेंट लाए हैं, नया विधेयक लाए हैं, उसको लेकर तो और पुलिसिया बेलगाम हो जाएगी, इसकी खमियाजा पूरे बिहार के लोगों को भुगतना पड़ेगा। विधानसभा में पुरुष एवं महिला विधायकों पर जो हमला हुआ है बहुत ही निंदनीय है। इतिहास के पन्नों पर यह दर्ज हो गया। मैं नीतीश सरकार को तत्काल मतलब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जो उसमें अधिकारी सम्मिलित हैं उन अधिकारियों को तत्काल मुअत्तल कर देना चाहिए, यही हमारा कहना है। एवं जो किसानों का फसल हो रहा है उस फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य का गारंटी करना चाहिए। तीनों काला कृषि कानून है उसको वापस करें। गैस, डीजल, पेट्रोल का जो महंगाई आसमान छू रहा है, उस बढ़ते महंगाई से किसान भी प्रभावित हो रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार प्रभावित हो रहा है, गरीब परिवार प्रभावित हो रहा है, उसके वृद्धि पर रोक लगना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये सुगौली के मुख्य मार्ग है, रोड रक्सौल और छापा से जुड़ी हुई है, NH 28 है और यहाँ पे जो राजद से कलकत्ता रोड जाम की आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं, महागठबंधन के यहाँ पे कलकत्ता जो है कि रोड जाम किए हैं। आपको बता दें कि विधायकों की बिठाई हुई विधानसभा में उस विषय पे बेरोजगारी, महंगाई के लेकर, किसान बिल को लेकर महागठबंधन को पूरा आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है। पूरे बिहार जिले के सुगौली में आपको अवसर दिख रहा है। अगली खबर अरेराज से है, जहां सर्किल इंस्पेक्टर सरफराज अहमद के नेतृत्व में कुर्की जब्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि बीते 2 साल में पहली बार गोविंदगंज पुलिस द्वारा कुर्की जब्ती किया गया है। गोविंदगंज थाना कांड संख्या 270/20 का अभियुक्त, जिस पर आरोप है कि वह अपनी पत्नी को पिछले साल हत्या कर बहती नदी में फेंक दिया था। जानकारी के मुताबिक घटना के बाद से चंपा देवी, सोनू राम, ससुर लालदेव राम फरार हैं, जबकि पति सुनील राम जेल की सजा काट रहा है। आरोपियों के घर पर पुलिस के द्वारा 22 फरवरी 2021 को इश्तेहार चिपकाया गया था। इश्तेहार चिपकाने के बावजूद भी सरेंडर नहीं करने पर पुलिस द्वारा कुर्की जब्ती की प्रक्रिया की गई है। बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के नेताओं के साथ हुए मारपीट के विरोध में RJD के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने आदापुर प्रखंड के पुराने पेट्रोल पंप चौक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया, जिसमें RJD के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मौके पर RJD के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रमेश कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष देवचंद्र यादव, राजेश्वर पासवान, आदापुर प्रखंड अध्यक्ष मुबारक अंसारी, विनोद यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। राजद के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रमेश कुमार सिंह ने कहा कि विधानसभा में जो घटना हुई वह बिहार के इतिहास में काले दिन की तरह है। वर्तमान सरकार जो अन्याय कर रही है उसका जवाब जनता जरूर देगी। प्रखंड अध्यक्ष मुबारक अंसारी ने कहा कि वर्तमान समय में बिहार की जो दुर्दशा है वैसी दुर्दशा आज तक कभी नहीं हुई थी और जो भी घटना हुई वह बहुत ही निंदनीय है। माननीय सदस्यों को जो पिटाई की गई उसके खिलाफ पूरे राष्ट्रीय जनता दल, पूरे महागठबंधन के लोग आंदोलित हो चुके हैं और बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, चारों तरफ अराजक माहौल बना हुआ है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल अब चरणबद्ध आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक करने का मन बना लिया है। सरकार द्वारा बिल लाया गया है, उस बिल में ऐसा है कि बिना कोई वारंट के पुलिस जिसको चाहेगी उसको जहां से उठा लेगी। ये क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार, ये तो पुलिस को गुंडा बना रहे हैं और इस तरह से दो ही काम होगा, या तो पुलिस को जिससे द्वेष भावना होगी उसको उठा कर ले जाकर पैसा तसीलेगी और नहीं तो उसको उसके ऊपर कार्रवाई करके जेल में डालेगी। ये जो सरकार है अभी वर्तमान में, यह सबसे भ्रष्ट सरकार और निकम्मी सरकार है। किसान के हक के हक मारी कर रही है और पूंजीपतियों की जो है यह बड़े बड़े समर्थक के रूप में काम कर रही है। यहाँ किसान की समस्याएं बहुत जटिल है। रक्सौल युवा कांग्रेस के बैनर तले शहर के कौड़िहार चौक स्थित चौधरी चरण सिंह गोलंबर के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। यह कार्यक्रम रक्सौल विधानसभा अध्यक्ष मनोरंजन तिवारी के नेतृत्व में हुआ।
इस दौरान बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव सह गोपालगंज प्रभारी प्रोफेसर अखिलेश दयाल ने कहा कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 असंवैधानिक तरीके से पारित कराया गया। विगत 23 मार्च को विपक्ष के द्वारा सरकार से जब सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के विधायकों पर पुलिसकर्मियों के द्वारा लाठियां बरसाई गई, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक और असंवैधानिक है। वहीं प्रदेश महासचिव ने कहा कि देश के इतिहास में यह पहली बर्बरतापूर्ण घटना है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस पूरे मामले पर माफी मांगने और दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग की। मौके पर इस कार्यक्रम में आदापुर अध्यक्ष अवधेश कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष मंजू शाह, अफरोज आलम सहित कई लोग मौजूद रहे। सदन के पिछले दरवाजे से विधेयक पुलिस 2021 जो इन्होंने पास कराया, उस चीज को लेकर विपक्ष जो था सवाल पूछ रहा था। और सदन में काम है कि जनता विश्वास जब देती है, विश्वास मत जब देती है, तो विपक्ष सवाल पूछता है सत्ता के दलों से। लेकिन यह सरकार जवाब देने के बजाय उन विधायकों पर लाठी तोड़ने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि सदन में जब सुरक्षा कर्मी हैं और मार्शल जो रखे गए हैं, उन मार्शलों के द्वारा विधायकों को वॉकआउट क्यों नहीं कराया गया? आखिरकार उन पर लाठी बरसाना और बिहार में सूबे के मुख्यमंत्री के हाथों में लॉ एंड ऑर्डर का कानून उनके हाथों में है, गृह मंत्रालय उनके हाथों में है, तो निश्चित रूप से नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। अहंकारी और दमकारी नीति बिहार में नहीं चलेगा। 2020 का जो चुनाव हुआ, नीतीश कुमार की बौखलाहट, छटपटाहट और घबराहट, यह निश्चित रूप से देखने को इस बार के 23 तारीख को देखने को मिला है। सबे बरात और रंगों के पर्व होली को लेकर सिकरहना अनुमंडल परिसर में शांति समिति की बैठक अनुमंडल पदाधिकारी ज्ञान प्रकाश की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ज्ञान प्रकाश ने कहा कि आपसी सौहार्द, प्रेम और भाईचारा के साथ रंगों का पर्व होली खेले, साथ ही शबे बरात का पर्व भी शांतिपूर्ण मनाएं। वहीं उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पर्व के मौके से हुड़दंग करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। मौके पर सिकरहना DSP शिवेंद्र कुमार अनुभवी, ढाका थाना अध्यक्ष अभय कुमार सहित अनुमंडल के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शराबबंदी कानून तोड़ने वाले पियक्कर को मझौलिया पुलिस ने जेल भेज दिया है। यह जानकारी मझौलिया इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि चनायन बांध के मुसहर टोली निवासी भोला मांझी के पुत्र काशी मांझी को बिहार मद निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेज दिया गया है। घोड़ासहन थाना परिसर में आज शहीद सहायक अवर निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह की 15वीं पुण्यतिथि पर शहादत दिवस मनाया गया। उनके प्रतिमा स्थल पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा व BDO अशोक कुमार समेत सभी पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मियों ने उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर माल्यार्पण किया व 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीद प्रमोद कुमार सिंह की शहादत को याद कर उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि 26 मार्च 2006 को थाना क्षेत्र के ननौड़ा गांव में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में नक्सलियों से लोहा लेते हुए प्रमोद कुमार सिंह शहीद हो गए थे। इस दौरान एक नक्सली भी मारा गया था। इस मौके पर दरोगा राजेंद्र सिंह, लाल साहेब प्रसाद, रामाशंकर सिंह, मटरू यादव समेत थाने के सभी पुलिसकर्मी मौजूद थे। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया के महद्दीपुर स्थित LN इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन विज्ञान संकाय के शिक्षक प्रिंस अमित एवं संदीप पांडे की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों ने विभिन्न मॉडलों, पेंटिंग आदि के माध्यम से अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। विद्यालय के निदेशक अमरुल आलम ने बताया कि प्रयोगात्मक कार्यों से छात्र छात्राओं में सृजनात्मक और आविष्कारात्मक क्षमता का विकास होता है। प्रदर्शनी में प्रदर्शित मॉडलों की प्रशंसा करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक अमरेश श्रीवास्तव ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिका उपस्थित रहे। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सरगर्मी तेज हो गई है। संभावित प्रत्याशियों द्वारा दावों और वादों का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में सारण जिले के रायपुर बिनगावा गाँव के भावी मुखिया प्रत्याशी अशोक राय से बात की हमारे संवाददाता जितेंद्र कुमार ने। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर गाँव में चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं। हालांकि इसे लेकर चुनाव की तारीखें अभी घोषित नहीं हुई हैं, किंतु संभावित प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं चुनाव से पूर्व की तैयारियों में जुटे प्रत्याशी वोटरों को अपनी तरफ खींचने के हर मुमकिन प्रयास के साथ जीत के लिए हर हथकंडे अपनाते दिखाई पड़ रहे हैं। किंतु इन सब के बीच सारण जिले के सदर प्रखंड स्थित दियारे क्षेत्र का रायपुर बिंदगावा पंचायत ऐसा है जहां पंचायत वासियों के बीच समस्याओं की फहरिस्त में कई ज्वलंत समस्याएं आज भी मौजूद हैं, जिसे लेकर आज हम मुखातिब हैं पंचायत के समाज सेवी
व भावी मुखिया प्रत्याशी के उम्मीदवार श्री अशोक राय जी के साथ। तो आइए हम इनसे जानते हैं रायपुर बिंदगांव पंचायत के सर्वांगीण विकास की दिशा में क्या है इनकी सोच और क्या है इनका मास्टर प्लान। रायपुर बिंदगांव में कई ऐसी ज्वलंत समस्याएं हैं जिसे आपने खुद जिया भी है और अभी वर्तमान में भी आप देख रहे हैं, और जनता की उन समस्याओं से निजात पाने की छटपटाहट पहले से भी रही है। तो आप इसके लिए बतौर एक जनप्रतिनिधि यदि आप मुखिया बने तो आपका मास्टर प्लान क्या होगा? देखिए, मेरे पंचायत के अंतर्गत जितनी भी ग्रामीण सड़कें हैं उसको मुख्य पथ से जोड़ना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी, इसलिए कि हमारे पंचायत की जनता ग्रामीण सड़कें से उब चुकी है, इसलिए मैं उसको मुख्य पथ से जोड़ूंगा और जनता को मैंने सुविधा प्रदान करूंगा। रायपुर बिंदगांव पंचायत में एक बड़ी समस्या ये भी है कि उसको पिछड़ा इलाका के रूप में माना जाता है, चूँकि दियारे क्षेत्र का पंचायत है। आज दियारे क्षेत्र को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के। इसके लिए आपके मास्टर प्लान में क्या कुछ योजनाएं सम्मिलित होंगी? देखिए, इसके लिए मैं अपने पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, ये मेरा मुख्य थी है, उद्देश्य है, इसको मैं सुधारूंगा। और पानी, बिजली, ये सभी समस्याएं हैं, इसको मैं सुचारू रूप से उतारूंगा, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। आपका एरिया आर्सेनिक जोन में आता है सर, उसमें कई ऐसे लोग जो अक्सर जो है बीमार पड़ते हैं, तो पानी की क्या स्थिति है? अभी जो नल जल योजना नीतीश कुमार जी का हर जगह हर पंचायत में है, आपकी भी पंचायत में है, तो क्या लोगों को आपके पंचायत में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता है? नहीं, उतना नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपके चैनल के द्वारा कि पानी की समस्याएं, नल जल की समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं मैं अच्छी तरह अपने पंचायत में उतारूंगा और भली भांति जनता को सुविधा प्रदान करूंगा। मैं अपने पंचायत वासियों को यही कहना चाहूंगा कि उनके सुख दुख की घड़ी में मैं सदैव उनके साथ रहूंगा और उनकी जो सारी समस्याएं हैं उस सारी समस्याओं से मैं अवगत हूँ, इसलिए कि मेरा जन्म उसी पंचायत के अंतर्गत बलौन टोला ग्राम में हुआ है, मैं बचपन से देखा हूँ। और आज़ादी के बाद जो मेरा पंचायत है विकास से अधूरा है, उसको मैं पूरा करूँगा। सरकार की सारी जो योजनाएं उपलब्ध होगी, 100% ईमानदारी के साथ धरातल पर उतारने का काम करूंगा, ताकि मेरी भली भांति जनता जो मुझ पर विश्वास आशा लगाकर बैठी है उस पर मैं खड़ा उतरूंगा। दावे और वादों की दौर तो चलता ही रहेगा, किंतु दियारा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं आज जिस रूप में हैं उसको सुधार की जरूरत है। प्रथम बिहार फुटबॉल लीग के खिताबी मुकाबले में रामदयाल प्रसाद शाह महिला फुटबॉल क्लब मोतिहारी ने लक्ष्मीबाई महिला फुटबॉल क्लब सिवान को 3-0 से पराजित करते हुए खिताब पर कब्जा जमा लिया। जीत के बाद एनटीपीसी कांटी की ओर से मोतिहारी की टीम को विनर ट्रॉफी दी गई। वहीं लीग मुकाबले में 4 में से 3 मैच जीतने वाली सिवान की टीम ने 9 अंक व बेस्ट गोल औसत के आधार पर इंडियन इंटर क्लब फुटबॉल लीग के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि डीएसपी अभियान विजय कुमार सिंह, पूर्वी डीएसपी मनोज कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से सिवान की कप्तान पल्लवी कुमारी को लीग की ट्रॉफी प्रदान की।
गौरतलब है कि इंडियन इंटर क्लब फुटबॉल लीग मैच मई महीने में कटक में खेला जाएगा। वहीं लीग में बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड मोतिहारी की लकी कुमारी को दिया गया। इस संदर्भ में एसटीवी न्यूज से बात करते हुए रामदयाल प्रसाद शाह मेमोरियल फुटबॉल क्लब के डायरेक्टर और पूर्वी चंपारण फुटबॉल एसोसिएशन एवं स्पोर्ट्स क्लब के सचिव प्रभाकर जायसवाल ने विस्तृत जानकारी दी। ये जो अंतिम मुकाबला था उसमें हमारे टीम मैनेजर ने एक्सपीरियंस करने के लिए सीनियर खिलाड़ियों को बैठा दिया, गोलकीपर को बैठा दिया, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा कि वो टीम 2-0 से हार गई, जिस कारण कि हमारा 9 अंक हुआ और गोल हमारा 6 हुआ। और सिवान जो है पटना को हराकर अंतिम मुकाबला, उसका भी अंक 9 हो गया, लेकिन वो गोल एवरेज में 9 गोल कर ली, इसलिए उसको फर्स्ट पोजीशन दिया गया और हमको सेकंड पोजीशन दिया गया। लेकिन जो 25 तारीख का मैच था वो वनडे फाइनल था, स्पेशल मैच वुमेंस डे पर था, जिसमें कि रामदयाल प्रसाद शाह ने 3 गोल से सिवान को पराजित कर वो ट्रॉफी अपने कब्जा में किया। और ये जो ट्रॉफी है ये उप विजेता का ट्रॉफी जो लीग मैच में जो लीग मैच हुआ है पहली बार, उसका खिताब हम लोग को मिला। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज़। नमस्कार।